Hello friends, I am Sachin Dex. Welcome to our YouTube channel. Its name is Web Helps. And in this video, we are discuss about how to apply Google AdSense. Okay, let's see. दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि Google AdSense के लिए कैसे अप्लाई करें, अधिकतर जो हमारे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर वेब ब्लॉगर्स होते हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि यदि मैं AdSense के लिए अप्लाई कर दूंगा तो वो शायद से मेरा डिसअप्रूव ना हो जाए, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता भी है, जो नए हमारे बिगनर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि क्या इसकी टर्म्स होती हैं, क्या कंडीशन होती है और कब इसको अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आप यूट्यूब की प्रिवेसी शायद पॉलिसी जानते होंगे, यदि आपको अपना यूट्यूब चैनल गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास लास्ट 12 मंथ में 4000 का वॉचिंग टाइम हो जाना ज़रूरी है। 4000 होर का वॉचिंग टाइम होना आवश्यक है और आपके मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आपका गूगल एडसेंस के लिए मोनेटाइजेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट की या फिर ब्लॉगर्स की। यदि आप कोई बिगनर्स हैं और वेबसाइट है आपके पास वर्डप्रेस पे या किसी भी टेक्निक पे आपकी वेबसाइट है, आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं और आप गूगल एडसेंस से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम अपनी वेबसाइट में 25 से 30 पोस्ट डालना है, यानी 25 to 30 पोस्ट आपको होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका एडसेंस होगा जो जल्दी अप्रूव हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाली वेबसाइट है इस पर मिनिमम 120 के आसपास आर्टिकल्स लिखे हुए हैं तो टोटल, और जो इस वेबसाइट पर भी ऐड लगे हुए हैं इन्फो लिंक के ऐड लगे हुए हैं, गूगल एडसेंस का कोई ऐड नहीं लगा हुआ। तो आज हम यही देखेंगे कि गूगल एडसेंस से इस वेबसाइट को कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उसका भी जो गूगल एडसेंस है वो अप्रूवल नहीं हुआ, और उसने लगभग 6-7 बार अप्लाई किया लेकिन अब तक नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपके पास आपकी वेबसाइट में 25 से 30 पोस्ट ना हो तो आप अप्लाई ना करें। और आपके जो मेन्यू बार हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं होम मेन्यू या जितने भी आपके मेन्यू बार हैं, अच्छे से मेन्यू बार बनाएं और अच्छे से अपनी वेबसाइट को डिटेल करें, यानी अपने जो वेबसाइट है उसे अच्छे से आपको शो आउट करना है जो वो रिव्यू के लिए अच्छी हो, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे एडसेंस के लिए। इसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में लिखना है गूगल एडसेंस। जैसे ही आप गूगल एडसेंस लिखते हैं तो यहाँ पे जो लिखा है मेक मनी ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट मोनेटाइजेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको करना है साइन अप नाउ। जैसे ही आप साइन अप नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना योर वेबसाइट का जो वेबसाइट का है उसका यूआरएल देना है। यहाँ से आपको अपनी ईमेल है, जो ईमेल का आपको एड्रेस देना है, और उसके बाद जो फर्स्ट वाला है यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प, इसके बाद इस पर टिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों मैंने ये प्रोसेस कर लिया है, मैं इसके बाद का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो मैं डायरेक्ट इसको साइन इन करता हूँ, मैं करता हूँ इसको साइन इन। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यदि आप जब इसे साइनअप के से स्टार्ट करके दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे तो आपके पास ऐसे ही आएगा जब आप अपनी डिटेल्स भरेंगे वेबसाइट की, और ये बोला है कॉपी द कोड बिलो, यानी जो ये वाला कोड है ये मुझे अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है। और देखते हैं वर्डप्रेस में कहाँ पे पेस्ट होता है। वैसे ये पेस्ट बोल रहा है कि पेस्ट इट इन टू द HTML ऑफ HTTP/ बिटवीन द हेड सेक्शन एंड हैड टैग, यानी जो आपका हैड टैग होगा इसके अंदर आपको डालना है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैंने ये वाला कोड कर लिया कॉपी। उसके बाद मैं आता हूँ अपने वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में आने के बाद मैं यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं अपीयरेंस लिखा है, इसमें आपको थीम एडिटर में जाना है। जैसे ही आप थीम एडिटर में जाते हैं दोस्तों, जो ये वाली पूरी प्रोसेस है ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, इसमें आप कोई भी चूक ना करें। यदि आप कोई भी गलती होती है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, सारा काम ध्यानपूर्वक ही करना है।
इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो ये सेक्शन है इसमें आपका लिखा है थीम हेडर, ठीक है। आप थीम हेडर पे आप क्लिक करना है। थीम हेडर में आपको जैसे ही आप थीम हेडर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पे लिखा है हेड, यानी आपको कहीं पे भी पढ़ लेना है। आपको शायद थोड़ी इतनी वो तो कोडिंग आती होगी जब आप वेबसाइट चला रहे हैं, तो जो हेड है, हेड के बाद तुरंत बाद आपको एक एंटर करना है और यहाँ पे आपको एक कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो ये कोड पेस्ट करना है ये ओपन हेड में करना है, यानी क्लोजिंग, जो हेड के क्लोजिंग टैग होता है उससे पहले करना है। देखिए यहाँ पे जो हेड है ये ओपन है, ठीक है, उसके बाद जो हेड आता है वो क्लोजिंग भी होता है। क्लोजिंग के लिए इसमें स्लैश लग जाता था, क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, सॉरी बैक स्लैश लग जाता था, क्लोज होता है। इसके बाद आपको इसको अपडेट फाइल कर देना है, बस इतना सब प्रोसेस आपको करना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आ जाना है, और इसके बाद आपको ये इस पर टिक करना है, आई पेस्ट द कोड इन माई साइट, और इसे कर देना है आपको डन। फिर देखते हैं ये दिखा रहा है क्या, लुकिंग द कोड वॉज फाउंड, यानी ये जो हमने कोड डाला है ये बोला कि ये कोड इन्होंने फाउंड कर लिया है। द अकाउंट एक्टिवेट प्रोसेस कैन नाउ बीन, यानी जो इसका प्रोसेस एक्टिवेशन का स्टार्ट हो चुका है। दिस अनसर्टेनिटी टेक्स लेस देन 8 डेज, बट इन टू सम केसेस कैन टेक्स इट ए बिग बिट लोंगर। वी विल ईमेल यू व्हेन एवरीथिंग इज रेडी, यानी इसमें अभी 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। वैसे 3 दिन का टाइम लगता है बिल्कुल, और 3 दिन के बाद ये जो कोड है या आपके एक्टिवेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक सो कोड लिखा है, यदि आपका कोई किसी कारण से वो नहीं होता है तो आप इस कोड को दोबारा से करके आप कर सकते हैं एक्टिवेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्टिवेटिंग योर अकाउंट, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक जो मेरा एडसेंस अप्रूवल हुआ तो वो 3रे दिन हो चुका था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि आपको 25 से 30 पोस्ट के बाद ही अप्लाई करना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो 3रे दिन स्टार्ट होते ही आपका गूगल की तरफ से एक मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका जो अकाउंट है एडसेंस का वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको एड यूनिट क्रिएट करनी है। देखिए अभी एड यूनिट हम क्रिएट नहीं कर सकते कि कैसे अपनी वेबसाइट पर एड लगाएंगे, इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब ये हमारा यूट्यूब हमारा एडसेंस है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।